केंद्रीय बजट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश भर के भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों को संबोधित किया। राजधानी शिमला में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बजट पर आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के संबोधन को कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज, रामलाल मारकंडे सहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने गेयटी थिएटर में सुना। प्रधानमंत्री का संबोधन सुनने के बाद शहरी विकास एवं आवास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि देश के वित्त मंत्री ने ऐतिहासिक और आत्मनिर्भर बजट पेश किया है, जिसको लेकर आज प्रधानमंत्री ने देश के भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों का मार्गदर्शन किया है। प्रधानमंत्री ने बजट के दिशा, दशा और दूरगामी परिणामों को लेकर जनता का मार्गदर्शन किया है। बजट में सभी वर्गों के उत्थान और देश की अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने के प्रावधान किए गए हैं। कल हिंदुस्तान का बजट लोकसभा में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने प्रस्तुत किया। ये एक ऐतिहासिक बजट है, नए भारत के निर्माण का बजट है, आत्मनिर्भर भारत का बजट है। इस बजट पर आज सारे देश भर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं व समर्थकों को आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना संबोधन दिया और इस बजट की दिशा, दशा और इसके दूरगामी क्या परिणाम होंगे, इन पर विस्तार से अपना मार्गदर्शन दिया है। किस प्रकार से जो है वो पीएम गतिशील योजना, चाहे वो शहरीकरण की बात हो, यहाँ तक कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की बात हो, और हिमाचल प्रदेश जैसे पर्वतीय राज्यों के लिए पर्वतमाला योजना की बात हो, जिससे इन राज्यों में टूरिज्म को, इसके विकास को जो है वो नए पंख जो है वो लगेंगे। हर एक विषय पर जो है वो विस्तार से जो है वो जनता का मार्गदर्शन किया है। इस बजट में किसानों को उनकी खेती का जो है वो उचित दाम मिल सके, उनकी आय दोगुनी हो सके, उसके लिए खेती के डिजिटलाइजेशन का और एमएसपी में रिकॉर्ड खरीदारी का तथा इसके साथ साथ जो है वो सीधा एमएसपी का पैसा किसान के घर में, उनके जेब में पहुंचे, इस बात की व्यवस्था की गई है। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।